नमस्कार, आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर में आप कई बार एक स्किन डिजीज का नाम सुनते होंगे, सोरायसिस, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके शरीर पर चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके जो शरीर की स्किन है वो धीरे धीरे झड़नी शुरू हो जाती है और ये आजीवन के लिए रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में किसी एक ही जगह पर सोरायसिस उत्पन्न होता है, लेकिन इसके बाद ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका सटीक इलाज किसी भी पैथी द्वारा करना असंभव माना जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से, एक ऐसे मरीज से मिलवाने जा रहे हैं जो सोरायसिस से पीड़ित थी पिछले 15 सालों से, और आज उनकी कंडीशन क्या है ये आपको बताते हैं। अभी नेशनल खबर की पूरी टीम मौजूद है हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में। मेरे साथ अभी यहाँ पर हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका और हेल्थ एक्सपर्ट विधिका बत्रा भी मौजूद हैं। मेरे साथ पेशेंट दोनों ही मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू, वेलकम विधिका, आपका भी। सोरायसिस के बारे में मैं थोड़ा आपके खुद की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगी कि सोरायसिस के बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या, कैसे प्रॉब्लम हुई है। सोरायसिस बेसिकली, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ये स्किन के कुछ पार्ट्स में ड्राइनेस की तरह प्रेजेंट करती है अपने आप को। शुरू शुरू में किसी एक जगह पे अफेक्ट करके धीरे धीरे थ्रू आउट द बॉडी आपका ये स्प्रेड हो जाती है। मेरे साथ वह 15 साल पहले मेरे एल्बोज़ के ऊपर थोड़े बहुत मार्क्स आने शुरू हुए, ड्राइनेस आनी शुरू हुई, उसके बाद ये फैला, अपना स्कैल्प की तरफ गया एंड यू नो नीज़ के ऊपर जाता है, एंकल्स के ऊपर जाता है एंड धीरे धीरे सर्दियों के टाइम पर और बढ़ना और कुछ टेम्परेचर्स पे इनका ख़राब होना, कुछ टेम्परेचर्स पे इनका थोड़ा ठीक होना, ऐसे ही चलता रहता है, पर ये बढ़ता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉट जस्ट स्किन, ये ऑल्सो बोन्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट करता है, जो कि सोरायसिस ऑफ स्किन से सोरायटिक आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेरे साथ कुछ 10 साल पहले हुआ था। तो जिसकी वजह से मेरे बोन्स के अंदर भी फ्लेकीनेस, जिसको ड्राइनेस आप स्किन के ऊपर देखते हैं, वैसे ही बोन्स के ऊपर भी फ्लेकीनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक अक्यूट पेन क्रिएट हो जाता है, उसको आर्थराइटिस भी बोला जाता है। सो उस आर्थराइटिस की वजह से जो पेशेंट होते हैं मेरे साथ, स्केल्स ऑफ द स्किन, जो ड्राइनेस है उसकी वजह से इचीनेस एंड यू नो हर जगह थोड़ा सा रेडनेस क्रिएट होना, डिस्कम्फर्ट रहना, बहुत सारा मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत विजिबली दिखता है एंड इसके साथ रहना ऑल द टाइम परमानेंटली एवरी डे बहुत मुश्किल काम है। ओवर एंड अबव दैट, विथ पेन्स इन योर बोन्स एंड एंकल्स एंड नकल्स, आपके रिस्ट्स में, आपके बैकबोन में, लोअर बैक में, चलते फिरते, उठते बैठते, भाग दौड़ करते हुए पेन्स का कभी भी चालू हो जाना एंड वो प्रिसाइजली हफ्तों हफ्तों तक वैसे ही रहना, उसको सोरायटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स बोला जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है इसका, उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। जब आप सुबह उठते हैं आपको 1 से 2 घंटे तक स्टिफनेस रहता है पूरी बॉडी के अंदर। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है, आपको कितना हॉल्ट ला सकता है। एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रीटमेंट लिया है इस चीज़ का पिछले 15 साल से, पर उसका इम्पैक्ट मेरे को वैसा नहीं आया जैसे मुझे चाहिए था। एंड थैंकफुली आई हैव आइडेंटिफाइड हिम्स प्रीमियर एंड विधिका, हु हैज़ मतलब मेरे डिजीज़ को मेरे से भी ज़्यादा जानना, समझना, पढ़ना उसके बारे में। वो इनकी टीम ने करके मेरे को ऐसे रिजल्ट्स दिखाए हैं जिससे मैं वैसे अचीव नहीं कर पा रही थी, विदाउट एनी मेडिकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विदाउट एनी काइंड ऑफ एलोपैथिक इन्वॉल्वमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माय स्किन स्केल्स, मेरी ड्राइनेस जो स्किन के ऊपर है वो 60% ड्रॉप हो गई है, जो कि कभी हुई नहीं है इन माई एंटायर लाइफ। एंड मेरा पेन्स, मेरा मॉर्निंग स्टिफनेस इज़ absolutely out of my life at this point of time after sirf 15 din ke treatment aapke sath karne ke baad
Of course, there are a bunch of things to follow. I think out of which you just stayed with us for 10 days. 10 days, yes. Yeah. So, 10 days ke treatment ke andar, I have eliminated meri body ke andar se sari pains, sari discomfort, sari, you know, dis-ease. So, that has been my journey with psoriasis so far. Vidika, 15 saal ki problem ko sirf 10 din ke andar mein overcome karke aana. ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे चीज़ें हुई सारी? प्रज्ञा, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई हैपन टू मीट हर समवेयर, हम कहीं मिले और हमारी ये बात चली, एंड देन शी गॉट टू नो दैट आई एम रनिंग हिम्स प्रीमियर, एंड इन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो मैंने उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया, एंड आई सेड आप ज़रूर आके मिलो. एंड आई रिमेंबर शी केम टू अस एंड हमने कंसल्टेशन करी, एंड उसके बाद शी सेड ओके आफ्टर 10 डेज आई विल कम बाय, क्योंकि मेरी कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं. उस 10 दिन में मतलब मुझे ये पता था दैट आई न्यू शी इज़ गोइंग टू कम बैक. तो मुझे ये पता था कि मुझे इनको हील करना है. आई डोंट नो हाउ, सो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, आई स्टार्टेड रीडिंग, आई वाज टॉकिंग टू माय टीम, एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स फ्रॉम गट हेल्थ, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ. तो हमारे गट हेल्थ में ही, हमारी गट बैक्टीरिया के पास ही वो कैपेसिटी है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और हमारा ब्लड क्लीन है, बीमारी रह ही नहीं सकती, इन्फ्लेमेशन हैज़ टू गो. जी, और वही हमने इनके साथ किया, एंड आई थिंक थर्ड और फोर्थ डे इनको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, और मे बी आई थिंक लेस देन दैट शी स्टार्टेड सेइंग दैट ओके आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर. सो व्हेन द पेशेंट सेज कि हाँ मुझे 10-15-20% भी आराम है, देन आई नो कि हम ठीक रास्ते पे हैं, एंड इसी रास्ते पे आके जाके इट विल शो गुड रिजल्ट्स. And you can see how glowing she is right now. Yeah, 100%. And the good thing is ki maine aisa treatment kabhi pehle liya nahi hai jisme mere ko treatment lene ke baad koi side effects nahi hai. In fact, I feel like a new person, you know, after getting my 10 days with you. You know, so इससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ. आई एम श्योर जिनके पास जिनको ये डिजीज़ है, सोरायसिस है, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं. बिकॉज जनरली जो मेडिसिन अवेलेबल है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है. एलोपैथी में एंड अदर प्लेसेस वट एवर आई हैव ट्राइड, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको देते हैं, जिससे एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में आई एम श्योर दैट अदर्स कैन रिलेट, आई वॉज नॉट ऑन स्टेरॉइड्स सो फार, बट आई वॉज हेडेड दैट वे. जो कि जिनको स्टेरॉइड्स दी जाती हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है. माई एज इज़ ओनली 26 एट द मोमेंट, एंड आई हैव अ ह्यूज लाइफ अहेड ऑफ माई सेल्फ, एंड बींग ऑन स्टेरॉइड्स एंड दोज काइंड ऑफ डॉन्टिंग साइड इफेक्ट्स उसके जो होते हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है. मेरे साथ ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होने की वजह से इम्यूनो रिप्रेसेंट मेडिसिन दी जा रही थी, जिससे मेरे स्केल्स तो गायब हो गए, पेन्स गायब हो गई जब तक मैं वो मेडिसिन ले रही थी तब तक. बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स वर सच जो मैं डील ही नहीं कर पा रही थी. फिटीग, लथार्जी तो है ही. एवरी मंथ, हर महीने विदिका, आई हैव किसी ना किसी इन्फेक्शन से I have fought. Yeah, because your immunity was suppressed. Immunity was suppressed. So every single month, या तो कोई cold या कोई infection या you know susceptible कहीं पर भी जाते हैं आपकी तबीयत खराब हो जानी, हर महीने वो आपकी body को किस तरह से damage करता है, क्योंकि उसके ऊपर से फिर आप और दवाइयाँ खा रहे हैं. मैं महीनों महीनों तक antibiotics पे थी, जो you know 5-5 दिन का कोर्स करके I've done that, and उसकी वजह से मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी उन मेडिसिन की वजह से. एंड जब मैं यहाँ पे आई, विदिका एंड हर टीम, आप लोगों ने क्लेंस करवाया मेरे को. विद इन 2-3 दिन मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होने लग गया था, बिकॉज माई बॉडी कम्प्लीटली टर्नड इन टू समथिंग न्यू. मेरे अंदर से जो लाइटनेस, मेरे अंदर का, एंड आई थिंक दैट क्लेंस आल्सो हेल्प्ड इन योर एंजाइटी. एंजाइटी एब्सोल्युटली, बिकॉज ये सारे डिजीजेस आपको मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंपैक्ट कर देते हैं. इमीडिएट इंपैक्ट इज ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आप महीनों महीनों बीमार हैं, आपको स्किन स्केल्स हैं, ड्राइनेस है, जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड आई थिंक हाफ द पीपल और मोर देन आई थिंक मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से हमारे को डिप्रेशन भी आता है. अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो हमारे को सोचने की क्षमता कम हो जाती है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब उस वजह से हो जाता है. एंड ऑल द लेथार्जी, ऑल द फटीग, ऑल द पेन्स आपको बहुत लिमिटेड बना देती हैं एज अ पर्सन.
अच्छा विधिका ऐसी है कि अभी तक तो सिर्फ इतना ही सुना गया है कि सोरायसिस कभी ठीक नहीं होती किसी भी पैथी की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ ठीक कैसे हुआ, आपने क्या स्टडी किया जो ठीक हुआ, या क्यों दूसरे मेडिकल्स ने ये ट्राई नहीं किया जो आपने किया, इसके पीछे कोई वजह? प्रज्ञा, दिस आई कांट कमेंट कि दूसरों ने क्या किया और क्या नहीं किया। जो मैंने किया वो यही था कि मैंने सिर्फ रूट कॉज पकड़ा। जैसे दूसरे पैथी में ये होता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस सिम्टमेटिकली। मेरे को अभी मैंने आपको भी बताया कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गट हेल्थ समझना, गट बैक्टीरिया समझना, और सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करना, क्योंकि वो अपने आप ही इन्फ्लेमेशन हटा देगा। तो मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारी होती है। इन्फ्लेमेशन आता क्यों है? क्योंकि हमारा रोज़ का खान पान, हमारी डिप्रेशन, एन्जाइटी, हमारा लाइफ स्टाइल, उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन आता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी सेल्स को मार रहे हैं। सिर्फ अगर हम कुछ चीज़ें सीख लें, जैसे हमारी इन्होंने अभी आई थिंक सुहानी ऑल यू हैव डन इज चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर रूटीन। सो सर्कैडियन रिदम तो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसके साथ हमें अपने पे वर्क करना, अपना एक रूटीन बनाना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक हम खुद ही हर बीमारी से खुद लड़ सकते हैं। अच्छा, हिम्स प्रीमियर के बारे में ज़्यादातर हमारे खुद के भी वीडियोज़ पे कई कमेंट्स आते हैं कि हिम्स प्रीमियर ग्राम मोस्टली या तो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि आपकी भी बहुत सारी स्टोरीज लोगों ने सुन रखी है। तो अब आप धीरे धीरे सोरायसिस और भी चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, मतलब ये जो मोटिवेशन आ रहा है, चीज़ें आ रही है कि और भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, वो कहाँ से है और क्यों? वो शायद इसीलिए आ रही है, आई थिंक शुरू में सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स आए हैं मेरे पास। अभी भी बहुत कैंसर पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स हैं, पर जब उनके रिजल्ट्स अच्छा आते हैं एंड देन वो घर जाके बात कर रहे हैं एंड देन यू नो इवन दे कम एंड टेल मी कि हमारी फैमिली में ये है, उनको ये बीमारी है, तब मुझे लगा व्हाई एम आई ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कैंसर एंड किडनी, और भी तो बहुत बीमारी है और सबका रूट कॉज एक ही है, उस रूट कॉज को ही तो ठीक करना है हमें। अच्छा, आप मतलब 10 दिन के अंदर में क्या चीज़ें हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में कराई गई हैं जिससे आपके अंदर इतनी चेंजेस हैं? आपने बताया कि क्लींजिंग है एक, तो दूसरा क्या? सो हिम्स प्रीमियर में आके मुझे क्लियरली पता चला दैट कुछ पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये लोग यू नो ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होने लग जाता है। एक्चुअली राइटली सेड, उनका टारगेट था कि मेरी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना था, रूट से ख़त्म करना था। सो दे हैव पुट टुगेदर एक स्केड्यूल फॉर मी जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मेजरली इनकल्केट कराए गए थे। मेरी डाइट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करी गई थी, बहुत सारे क्लेंस किए गए थे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइट विच हैड अ मेजर इम्पैक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी चीज़ का आया था मेरी यू नो मेरी कंडीशन पे, जहाँ पे आपने एक्चुअली मॉडिफाइंग योर डाइट एवरी डे। करेक्ट करेक्ट। एवरी आवर वी यूज्ड टू थिंक ओके नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव हर दिस, टुमारो वी आर प्रोबब्ली गोइंग टू पुट हर ऑन फास्टिंग। फास्टिंग, या देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन दे पुट मी ऑन जूस फास्टिंग फॉर यू नो 3 डेज स्ट्रेट 2 डेज स्ट्रेट। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, उससे बहुत ज़्यादा आपके अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइव्स ना। बिकॉज व्हेन यू डू फास्टिंग ना, यू टेंड टू चेंज योर हार्मोन्स, यू टेंड टू चेंज योर मेटाबॉलिज्म। एग्जैक्टली। द सेकंड पिलर दैट दे यूज्ड वाज पंचकर्मा थेरेपीज। पंचकर्मा थेरेपीज डायरेक्टली इम्पैक्टेड माय डिजीज एग्जैक्टली जैसे उसको करना चाहिए था, जहाँ पे स्किन स्केल्स को आपको एड्रेस करना था, उन्होंने स्किन स्केल्स के लिए प्रॉपरली थेरेपीज करी हैं। जहाँ पेन्स को एड्रेस करना था, उसकी प्रॉपर थेरेपीज करी गई हैं। जहाँ मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी थेरेपीज करनी थी टू रिड्यूस माई एंगजाइटी, टू एलिविएट माई टेंशंस, उसके लिए अलग थेरेपीज दी गई मुझे। फॉर माई बोन्स एंड जॉइंट पेन्स, उसके लिए अलग थेरेपीज थी। सो पंचकर्मा इन टोटैलिटी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करी जी आपने मेरे साथ, एंड ऑल ऑफ देम हैड बहुत अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल यू नो इन माई वेल बींग। एंड थर्ड थिंग दैट दे इंट्रोड्यूस्ड, जो कि मुझसे नहीं होता था क्वाइट फ्रैंकली बिफोर, वॉज सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। दे एडेड सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू माई लाइफ, जिससे आई थिंक माई माइंड एंड बॉडी फील्स क्लींस, you know that positivity that you create. So there's yoga, you know, so they obviously add that kind of ek wo lifestyle mein add karke, for a person who would wake up in pain rote hue subah ki 10 baj gaye utha nahi ja raha, joints mein pain ho raha hai, wo subah 6 baje uthke yoga karne aa rahi hai, and you know she's going around and actually enjoying her day happily. So and I still continue to, main abhi nikli hui, mujhe kuch din hue hai aur mereko abhi bhi उस रूटीन से कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज आई मेरे को वो पेन्स
खत्म हो गए हैं, मेरे घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं. देन देयर इज आयुर्वेदा ऑफ कोर्स, देयर आर सम मेडिसिंस दैट आल्सो हेल्प इन यू नो इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, जिसकी वजह से विदिका जी ने हमें तो रखा. आई थिंक मोर देन दैट इज हर्ब्स दैट वी आर वर्किंग ऑन. या एंड वन थिंग दैट आई हैड अ ह्यूज इंपैक्ट बाय वाज द वाटर, the hydrogen water. उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट. इनफैक्ट इफ यू नो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर अबाउट दैट, बिकॉज मुझे उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है. यू नो पूरा इन्फ्लेमेशन रिडक्शन इज एन एक्सपीरियंस. वंस यूर वंस जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ें इनकल्केट कर देते हैं जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, सो यू कैन एक्सपीरियंस हाउ यू फील एज अ डिफरेंट पर्सन. मे बी आपको विजिबली नहीं दिखता वो इमीडिएटली कि क्या हो रहा है, but your body can you know examine and tell ki there's something. And you know, after talking to Sahani Pragya, I think this is a message for all those people out there jo young hai, who are corporates and who are working with corporates. She is one of the example, right? You know, because mere paas zyada tar log waise aate hain ki nahi hum aapki video dekh kar aaye hain. तो आज आप आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि सुहानी की वीडियो देखिए. शी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर सो मेनी ऑफ यू आउट देयर दैट वी आर ऑल्सो हियर फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग अ लाइफ स्टाइल विच एक्चुअली पीपल से कि ये सही नहीं है, पर उसके लिए भी आप हमारे पास आए. वी आर गोइंग टू डिटॉक्स यू एंड गो बैक इन योर लाइफ अगैन. एंड शी हरसेल्फ इज एन एग्जाम्पल थिंकिंग दैट यू नो शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल टुडे लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, बट शी स्टिल ऑप्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ हीलिंग. Yes, this kind of procedure. So, I think it's a great example. Yeah. इतने अच्छे results के बाद अब आगे का क्या plan है आपका? आगे कहाँ लेके जाना है? Not only the HIMS Premier Gurugram, but all जो चीज़ें हैं, इतनी सारी problems आजकल नई नई निकल के आ रही हैं. ऐसी problems जिनका नाम भी नहीं सुना गया आज तक, इनके लिए क्या काम करने की आपने क्या सोचा है आगे? जैसे अभी मेरे पास already I have patients for HIV also. Obviously मैं उनके बारे में ज़्यादा उनकी identity disclose नहीं कर सकती. तो हमने ऑलरेडी एच आई वी पॉजिटिव्स को भी रखना शुरू किया है. वी आर ट्रीटिंग देम एज वेल, क्योंकि सिर्फ इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी लाइक आई से. सो मुझे अच्छा लग रहा है कि हर तरह के पेशेंट्स आके अप्रोच कर रहे हैं और वो इतना फेथ दिखा रहे हैं. इनफैक्ट आज सुबह ही वो एम्स गए थे एंड उनकी सिस्टर उन्हें वापस लेकर आ गए, बिकॉज जब वो आए थे उनको बहुत सिवियर पेन थी. एंड ही जस्ट केम बाय सेज नो आई वॉन्ट टू बी हियर. सो ये अगेन वो बहुत अच्छा लगता है देख कर कि लोग हम पे इतना विश्वास कर रहे हैं. जी आपकी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? जैसे 15 इयर्स से आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उन रिपोर्ट्स के बारे में कुछ? बिल्कुल. सो एज आई सेड 15 साल पहले मेरे को डायग्नोज किया गया था फॉर सोरायसिस बिकॉज ऑफ अ स्मॉल यू नो पैच जो मेरे एल्बो में क्रिएट हो रहा था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ही पैच बहुत बढ़ गया और मेरे पूरे आर्म को कवर करना शुरू कर चुका था. वो दोनों आर्म्स में बढ़ा, फिर नीज में बढ़ा एंड मेरे पूरे स्कैल्प के आउटलाइन पे तो सोरायसिस के स्केल्स आने शुरू हो गए बहुत विजिबली. टू द एक्सटेंट कि अगर मैं कहीं बैठती थी तो गिरता था यू नो आसपास. सो इट वाज दैट आउटसाइड यू नो एंड वो मेरे कानों के पीछे कानों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लग गया था. तो वो डायग्नोसिस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ विजिबल स्केल्स एंड कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू कंफर्म हुआ कि वो सोरायसिस था. सोरायटिक आर्थराइटिस मुझे सोरायसिस होने के 5 साल बाद डेवलप हुआ, जब आई ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे एंड टचवुड आई वाज आल्सो वेरी एक्टिव यू नो. मैं बहुत आई यूज्ड टू बी वेरी आउटडोर्स, यूज्ड टू प्ले गेम्स, आई यूज्ड टू डांस. बट धीरे 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 वो इम्पैक्ट of the arthritis started coming into my life and I started finding a lot of pains. और जब वो pains मुझे impact करने लग गए कि मैं अपनी exercises अपने dance को continue नहीं कर पा रही थी, तब मैंने treatment के लिए diagnosis के लिए गई मैं जगह जगह. शुरू के कुछ 3-4 साल मुझे wrongfully diagnose किया गया था जगह जगह. I was told knees के अंदर मुझे chondromalacia patella है, so which is basically nothing but weak patella. Muscles. Nobody could identify it was psoriasis initially. Then someone said that I have osteoarthritis. So which is again wrongfully diagnosed because usme jo aapka osteoarthritis hota hai usme aapka treatment is physiotherapy and you know some kind of medicines that are given jo ki psoriasis ke liye relevant hi nahi hai. That was ek stretch of time jab mujhe I think they had put me on some kind of you know
वेरी हार्श मेडिकेशन. सो उसकी वजह से वो केस थोड़ा और बिगड़ गया. एंड कुछ साल बाद कोई अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट के पास मुझे करेक्टली डायग्नोज किया गया था थ्रू ब्लड टेस्ट, थ्रू सिम्टोमेटिक यू नो असेसमेंट एंड एवरीथिंग. दिस वाज आई थिंक अबाउट 6 years back, नॉट टू लॉन्ग अगो. एंड आई वाज पुट ऑन अगेन यू नो इम्यूनो रिप्रेसेंट मेडिकेशंस. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया बॉडी में, बट दोज आर सो हार्श दैट यू कांट ईट देम इन अ कंटिन्यूअल मैनर. बहुत मुश्किल हो जाता है उसको करना. एंड सो आई स्टॉप्ड. I just stopped having all of my medication there, and I simply ended up, you know, coming to Vidika after we had that small chat, with zero hope that anything will go right, you know. ठीक है, that's been honest, sorry, I have no, to, you that's know, really nice. Because 10 साल 15 साल मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें try करी and research and for everyone who has psoriasis out there, वो research बोलती है कि नहीं cure हो सकता है, नहीं cure हो सकता है. It's not true. It's not true. You have to just look at it from a different perspective. And to even see it on Google is very depressing when they say, oh, it's not going to happen. And the patients themselves, they start calling ki wo to ho hi nahi sakta. Wo to ho hi nahi sakta. You're right. You're very right. Yeah. I came like that. Yeah. Maine aapko ye bola tha ki I have an incurable disorder. Yes. And you said, who said? Hum dekhte hain. Yeah. Let's find out. Jee. So, and we did find out. Yes. Mera, I'm telling you, this is like a case history for me. Absolutely. So everyone out there who has autoimmunity disorders, जो आपको लगता है ठीक नहीं हो सकते हैं, for example, diabetes है, asthma है, all of these are autoimmunity disorders. Yeah, just want to say, don't give up. So don't give just up. Give up. Yeah. So psoriasis people definitely reach out. आपको allopathy is not the only way of medication. I understand research बहुत available है, but holistic methods for a person, yes, you're right. That a lot of young people. सोराइसिस के बारे में जो जानकारी स्टार्टिंग में दी गई थी उसके बारे में आप चाहें तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं. और जो ये जो साक्षात्कार हुआ है यहाँ, जो आपको पेशेंट ने जो भी चीज़ें बताई हैं कि ये एक क्योरेबल चीज़ भी है, एक क्योरेबल बीमारी के तौर पे आप देख सकते हैं, जहाँ पर दूसरे पैथीज में दूसरे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम आपको ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर सकते, या तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये पेन झेलना पड़ेगा. लेकिन इस साक्षात्कार के बाद ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है. इस पर आपका क्या कमेंट है, इस पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे कि आपके सवाल का जवाब हमारे पास हो और हम दे भी पाएँ. ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेचुरल खबर के साथ बने रहिए.